जल जीवन मिशन योजना के 3 साल बीत जाने के बाद भी इंदौर जिले में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान इंदौर जिले में कार्य में लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया, जबकि 2 टेंडर निरस्त कर दिए गए। देखिए ये खास खबर। हर घर में नल से पानी मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की थी। योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से की गई है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इंदौर जिले में अब तक 100% कार्य नहीं हो पाया है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान इंदौर जिले में प्रदेश की संस्कृति मंत्री और महू विधानसभा से विधायक सुश्री उषा ठाकुर मौजूद रही। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 97% सिविल वर्क पूरा हो चुका है, जबकि 22 ओवरहेड टैंक का निर्माण शेष है। कार्य की गुणवत्ता खराब और कार्य में लापरवाही मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे 4 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि 2 टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। अब तक ना पूरा काम कंप्लीट होगा, उसके लेकर ना डिटेल समीक्षा किया गया है। इंदौर जिले में ऑलमोस्ट 97% ना वर्क है, मतलब है ना सिविल कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है। हमारी अराउंड सिर्फ 22 ना टंकी है, ओवरहेड टैंक है वो बचा हुआ है। उसमें 15 अप्रैल तक है ना उसको कंप्लीट, 15 मई तक है ना कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ये दिया है। ओवरऑल हम लोग है ना पूरा छोटे छोटे काम है सारे मिला करके 30 जून तक है ना हम लोग इंदौर जिले में रूरल एरियाज़ में हर ग्राम पंचायत हर गांव का है ना हम लोग है ना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर है ना नल कनेक्शन पे हम लोग है ना जोड़ देंगे। उसके अलावा ऐसे 2 टेंडर है, मतलब है ना किनका निरस्त हुआ है, मतलब उनको वापस है ना टेंडर कॉल किया गया। उसमें 11 ऐसे विलेजेस हैं, उसको भी है ना मतलब 2 महीने के अंतर्गत है ना करने के लिए डायरेक्शन दिए गए। रेस्टोरेशन के लेकर है ना मतलब है ना अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारी 13 किलोमीटर रोड है पाइपलाइन के ना खुदाई के कारण डैमेज हुआ है, उसको रिस्टोर करना है ना और है ना पेंडेंसी है, और रिस्टोरेशन क्वालिटी से हो प्रॉपर हो उसके लेकर है ना मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं। उसका भी हम लोग है ना टीम फॉर्म करके मॉनिटरिंग करेंगे। एंड हम लोग इसके अलावा हम हर मंडे और थर्सडे का है ना रेवेन्यू का VC है, और शुक्रवार को CO जिला पंचायत स्वयं ठेकेदार के साथ है ना बैठ कर मॉनिटरिंग करते ही हैं। तो हम लोग है ना इसको और अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे, गर्मी में मतलब है ना प्रॉब्लम्स ना हो, कहीं भी स्रोत का ना इश्यू है, सोर्स का इश्यू है वहाँ, फिर हम लोग है ना इवन निजी नल कनेक्शन से ना हम लोग है ना जोड़ करके लोगों के ना पानी का सप्लाई कैसे कर पाएंगे उसके लेकर भी है ना हम लोग ने मंत्र। अभी तक ऐसे ही ना 4 ठेकेदार हैं उनका ना ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं कि मतलब है ना वो और एडिशनल काम है ना नहीं ले सकते हैं। 2 ऐसे टेंडर हैं मतलब पूरी तरीके से उनको निरस्त किया गया है, उनको है ना पुनः टेंडर है ना कॉल किए गए। अदरवाइज है ना मतलब है ना ओवरऑल इंदौर जिले का है ना जल जीवन मिशन में ना प्रोग्रेस है ना काफी अच्छी। मंत्री उषा ठाकुर के अनुसार यह प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, यही कारण है कि समय समय पर समीक्षा कर कार्य को गति दी जा रही है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, नल जल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों की योजना है, और जो दर्द है हमारे दोनों नेताओं के मन में कि हर घर में नल से पानी जाए, उसी की समीक्षा थी और उसी को लेकर बैठक थी। कुछ ठेकेदारों ने टाइम पे काम नहीं किया है और उनको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं उनके, और जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करें उनके टेंडर निरस्त भी किए हैं। सब निर्धारित समय सीमा में अच्छा काम करें ये निगरानी करने के लिए आज बैठक थी। जो टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं उनकी भी जल्द टेंडरिंग कर 30 जून तक हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।